Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper dated 23rd May. If you are liking this analysis, then please like, share and subscribe. And if you want to join the Telegram group of UPSC Analyzer, then you can join. Link is in the description box. Here the first news is Modi Biden will discuss war in Ukraine and food security at Quad meeting. यहाँ पर बात की गई है क्वाड के एक इनिशिएटिव की, जो कि यहाँ पर बनाया जाएगा अगेंस्ट इलीगल फिशिंग. इलीगल फिशिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है चाइना. तो यहाँ पर जो क्वाड का इनिशिएटिव है अगेंस्ट इलीगल फिशिंग, उसमें जो इंडिया का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन है, वो यहाँ पर की रोल प्ले करेगा, IFC IOR. तो इट मे प्ले अ की रोल इन अ क्वाड इनिशिएटिव अगेंस्ट इलीगल फिशिंग. इलीगल फिशिंग जो इंडो पैसिफिक में होती है, उसके लिए यहाँ पर मेनली रिस्पॉन्सिबल है चाइना. तो एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा फॉर इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं चाइनीज ट्रॉलर्स. द US इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू लॉन्च अ न्यू इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि होगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है, जो US का यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है. IFC IOR को इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में. तो ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था फ्यूजन सेंटर? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर रीजनल कोलैबोरेशन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज, इंक्लूडिंग मैरीटाइम टेररिज्म, IUUF, पायरेसी, आर्म रॉबरी ऑन द हाई सीज एंड ह्यूमन एंड कॉन्ट्राबैंड ट्रैफिकिंग. गुड़गांव में बेस्ड है ये डेटा फ्यूजन सेंटर, और बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग लिंक्स ये शेयर करता है विथ 50 नेशंस एंड मल्टीनेशनल मैरीटाइम सेंटर्स. तो IFC IOR एम्स एट स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन एंड बियॉन्ड. तो यहाँ पर जो क्वाड का इनिशिएटिव है अगेंस्ट इलीगल फिशिंग, तो उसमें की रोल प्ले करेगा IFC IOR. तो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था IFC IOR. क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? तो दिस सेंटर वॉज इस्टेब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन. तो जैसे हमारे पास डेटा फ्यूजन सेंटर्स हैं, सिमिलरली ऐसे सेंटर्स सिंगापुर में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं. तो टू अदर डेटा फ्यूजन सेंटर्स लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन दिस इनिशिएटिव आर द सिंगापुर नेवीज इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एंड द ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर्ड पैसिफिक फ्यूजन सेंटर. अब चाइना के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिशिंग फ्लीट तो है, लेकिन चाइना उसका यूज़ करता है यहाँ पर इलीगल फिशिंग करने के लिए. तो इट यूजेस दिस फ्लीट टू डेवेस्टेटिंग इफेक्ट टू मीट इट्स पॉपुलेशन ह्यूज डिमांड फॉर प्रोटीन. इट ऑल्सो प्रोवाइड जनरल सब्सिडीज विच हैज़ इंसेंटिवाइज द रैपिड प्रोलीफरेशन ऑफ लार्ज केपेबल डिस्टेंट वाटर वेसल्स, और जो कि यहाँ पर सिंगल वॉयज में बहुत सारा कैच कर लेती हैं फिश, और जिसकी वजह से यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ को रिसोर्सेज का नुकसान होता है. तो यहाँ पर क्वाड का इनिशिएटिव है इलीगल फिशिंग को कर्ब करने के लिए, और जिसमें इंडिया का IFC IOR की रोल प्ले करेगा. सेकंड न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर उसकी ही बात की गई है कि जो चाइना है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एन एस्टिमेटेड 80-95% ऑफ द इलीगल फिशिंग इन द रीजन. फॉर द प्लान इनिशिएटिव विल यूज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू इंटरलिंक मैरीटाइम सर्विलांस सेंटर्स इन सिंगापुर, इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडो पैसिफिक. और जो चाइनीज वेसल्स यहाँ पर इलीगल फिशिंग करते हैं इंडो पैसिफिक में, उसको यहाँ पर कर्ब किया जाएगा. नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सो वी विल नॉट डिस्कस इन राजस्थान अर्बन जॉब स्कीम. तो जैसे मनरेगा है रूरल एरिया में, वैसे ही राजस्थान ने इस साल अपने बजट में अनाउंस किया था अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर द अर्बन एरिया. तो फ्रॉम ट्री प्लांटेशन, अब ये अर्बन एरियाज़ में कैसे काम प्रोवाइड करेगी? तो फ्रॉम ट्री प्लांटेशन, क्लीनिंग पॉन्ड्स एंड लेक्स, कंजर्विंग हेरिटेज टू कलेक्टिंग गार्बेज फ्रॉम डोर टू डोर एंड सेग्रीगेटिंग इट एंड कैचिंग स्ट्रे एनिमल्स, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद जॉब डिस्क्रिप्शन अंडर इट्स मच टाउटेड इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना. कुछ टाइम पहले हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी, जो कि यहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने यहाँ पर रिपोर्ट को रिलीज़ किया था, जिसमें दो सजेशंस दिए गए थे. पहला सजेशन ये कि मनरेगा के ही लाइन्स पर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी होनी चाहिए. दूसरी बात, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की गई थी. तो यहाँ पर अगर हम पायलट मॉडल देखें, तो राजस्थान में हमें पायलट मॉडल दिख रहा है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को अनाउंस किया गया, और इसमें कौन सी जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है, कितना यहाँ पर एसेट क्रिएशन होगा. तो अगर हम एसेट क्रिएशन देखें, तो एसेट क्रिएशन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. तो मोर ओवर यहाँ पर वर्क को दो टाइप में डिवाइड किया गया. तो मोर ओवर द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू पेमेंट फॉर लेबर वर्क ऑफ जनरल नेचर, तो यहाँ पर 25:75 है, और स्पेशल वर्क के लिए 75:25 है. तो स्पेशल वर्क्स में यहाँ पर कोई एसेट जनरेट हो सकता है, लेकिन जनरल नेचर के वर्क में यहाँ पर कोई भी एसेट जनरेट नहीं होगा. तो ऑल दोज एज्ड बिटवीन 18 and 60 years एंड रिसाइडिंग विद इन अर्बन बॉडी लिमिट्स आर एलिजिबल फॉर द स्कीम. यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है टूर ऑफ ड्यूटी की. तो पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल है क्या.
This model of recruitment would let young individuals voluntarily serve for temporary period of 3 years. तो यहाँ पर जो भी armed forces में serve करना चाहता है 3 सालों के लिए वो यहाँ पर कर सकता है, ये voluntary engagement है. It is for youths who do not want to make defence services their permanent vocation. तो यहाँ पर उन youths के लिए हैं जो कि defence services को अपना employment नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस thrill को वो यहाँ पर feel करना चाहते हैं, experience करना चाहते हैं. तो the proposal is a shift from the concept of permanent service job in the armed forces towards internship temporary experience from the 3 years. तो 2020 का ये original proposal था. अब इससे government को क्या benefit होगा? तो basically government को यहाँ पर कम pay देना पड़ेगा, pension नहीं देना पड़ेगा. तो there are immense financial benefits to the organization due to reduction in pay and gratuity payouts. और cost of 3 year service per officers यहाँ पर कम होगी as compared to अगर हम short service commission को भी compare करें. तो इसको ही लेकर यहाँ पर कुछ news आई है जो कि हम discuss कर लेते हैं. While initially planned as a 3 year टूर ऑफ ड्यूटी, तो हमने अभी डिस्कस किया कि 3 ईयर है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर 4 साल का हो सकता है एज 1 ईयर ट्रेनिंग एंड 2 ईयर सर्विस आफ्टर दैट. तो अनलाइक द करंट स्ट्रक्चर जहाँ पर सोल्जर्स को इंडक्ट किया जाता है इन टू रेजिमेंट बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड द रीजन एंड वो कहाँ से आते हैं, उनका इनहेरिटेंस, बेसिकली ये जो हमने देखा, ये जो कास्ट सिस्टम के बेसिस पर रेजिमेंट्स में लिया जाता है, ये ब्रिटिश एम्पायर करता था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर जो है वही यहाँ पर सीप डाउन हो गया है और हमें वही देखने को मिलता है करंट स्ट्रक्चर में भी. तो एन इनहेरिटेंस ऑफ द डेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, द न्यू स्ट्रक्चर विल मेक इट पैन इंडिया एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कास्ट. तो आपको रेजिमेंट्स मिल जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल राजपुताना, जाट, सिख, जम्मू एंड कश्मीर, मद्रास एट्सेट्रा, विच हैव ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. लेकिन जो अगर हम सोल्जर्स देखें तो रिस्पेक्टिव कुछ पर्टिकुलर रीजन से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम है वो सारे बैरियर्स को यहाँ पर रिमूव कर देगा, अलाउइंग एनी एप्लीकेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू बी एबल टू ज्वाइन द आर्मी. और टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल की वजह से जो आर्मी का पेंशन बर्डन है वो भी यहाँ पर कम होगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेंज डाउन अंडर. तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो रिजीम चेंज हुआ उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया, जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे. एन एक्सेप्शनल जस्टिस, ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म होने की बहुत ज़रूरत है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो यहाँ पर केस बताया गया है पेरादीवलन, जो कि यहाँ पर अक्यूज थे राजीव गांधी असासिनेशन केस में. तो द फैक्ट दैट इट टुक ओवर 31 ईयर्स फॉर पेरादीवलन रिलीज डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स ऑफ रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एंड रॉन्गफुल कन्विक्शन. अब यहाँ पर बताया गया कि रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन कैसा हुआ, रॉन्गफुल कन्विक्शन कैसे हुआ. तो बेसिकली जो टाडा के अंदर अगर कोई कन्फेशन पुलिस को दिया है तो वो भी एज एन एविडेंस यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा कोर्ट में. तो सच कन्फेशंस टू द पुलिस ऑर्डिनरली इन एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस कोर्ट, लेकिन अगर ऐसा कोई कन्फेशन दिया है अंडर द टाडा तो ये यहाँ पर एडमिसिबल होगा इन द कोर्ट. तो यहाँ पर उस समय के जो सीबीआई ऑफिसर थे थियागराजन, उन्होंने यहाँ पर एक सोन एफिडेविट को सबमिट किया और उसमें ये लिखा गया था, उसमें ऐसा कुछ बयान था कि हाँ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने ये बैटरीज दी और बैटरीज का यूज़ किसके लिए हुआ मुझे पता था. लेकिन एक्चुअली यहाँ पर पेरादीवलन का ये कहना था कि उनको कोई नॉलेज नहीं थी कि बैटरीज का यूज़ कहाँ होना था, लेकिन उसके बाद भी जो वो वाला स्टेटमेंट था उसको यहाँ पर कट आउट कर दिया गया कि बैटरीज का यूज़ के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी. तो थियागराजन सबमिटेड अ सोन एफिडेविट बिफोर द एससी स्टेटिंग दैट ही हैड एडमिटेड द एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ पेरादीवलन्स स्टेटमेंट डिनाइंग नॉलेज ऑफ द यूज़ टू विच, कि इन बैटरीज का यूज़ किसके लिए होने वाला था. तो इससे ये पता चलता है कि एविडेंस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है कन्विक्शंस को सिक्योर करने के लिए. तो इट ऑल्सो डेमोस्ट्रेट्स द डेंजर्स ऑफ कन्फरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुलिस पावर्स अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. तो टाडा जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है तो उसके अंडर यहाँ पर पुलिस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे दी जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस उन एविडेंस को मैनिपुलेट करती है कन्विक्शंस को सिक्योर करने के लिए. तो टाडा कोर्ट, द एससी कन्फर्म द डेथ सेंटेंस इम्पोज बाय द टाडा कोर्ट इन इग्नोरेंस ऑफ द बच्चन सिंह फ्रेमवर्क. अब बच्चन सिंह फ्रेमवर्क क्या है? बच्चन सिंह फ्रेमवर्क का ये कहना है कि अगर किसी को यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी दी जाती है तो उसमें जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर क्राइम हुआ या क्रिमिनल की यहाँ पर जो मेंटल कंडीशन उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ये यहाँ पर बच्चन सिंह फ्रेमवर्क बताता है. आर्टिकल 161 यहाँ पर गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स है. तो तमिलनाडु के गवर्नर को यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने एड और एडवाइस किया कि आप यहाँ पर पार्डन ग्रांट कर दो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तमिलनाडु के गवर्नर 2.5 साल तक उन्होंने यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया और बाद में उन्होंने फाइल को पास ऑन कर दिया टू द प्रेसिडेंट. यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर है अंडर आर्टिकल 72.
The holding this was done without constitutional backing. The SC invoked its extraordinary powers under Article 142. तो यहाँ पर Supreme Court ने Article 142 जिसमें यहाँ पर Supreme Court को special powers दिए गए हैं, extraordinary powers दिए गए हैं कि Supreme Court यहाँ पर कोई भी decree pass कर सकता है to ensure complete justice. फिर यहाँ पर Supreme Court ने Article 142 का use करके Paariwalan को release कर दिया और Supreme Court का ये कहना है कि जो sentence serve किया जाना था वो serve हो चुका है. तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द कार्बन फुटप्रिंट कॉस्ट. फिस्कल ईयर 2021-22 में जो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स थे $50.3 बिलियन हिट किया है, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 20% ओवर द प्रीसीडिंग ईयर. सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या एक्सपोर्ट किया, तो राइस रैंक्स फर्स्ट विद एक्सपोर्ट्स. फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहे हैं मैराइन प्रोडक्ट्स, थर्ड पर शुगर एंड द फोर्थ वन इज स्पाइसेस एंड द फिफ्थ वन इज बोवाइन मीट. तो फर्स्ट पर राइस, सेकंड पर मैराइन, थर्ड पर शुगर, फोर्थ पर स्पाइसेस एंड द फिफ्थ वन इज बोवाइन. तो ये आपको पता होना चाहिए. अब अगर हम दो कमोडिटीज़ देखिए, राइस और शुगर, तो राइस और शुगर बहुत ज़्यादा वाटर गजलर क्रॉप्स हैं, इसमें वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. Another concern in the case of rice is that a substantial part of its global competitiveness comes from highly subsidized water. तो यहाँ पर rice के लिए हम highly subsidized water farmers use करते हैं, power का use करते हैं, fertilizers का use करते हैं. तो basically अगर हम 1 kilogram of rice को export कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना 3,000 से लेकर 5,000 liter of water भी export कर रहे हैं. तो taking an average of about 4,000 liters of water per kg of rice and assuming that half of this percolates into ground water, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 21 MMT राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वर्चुअली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 42 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर. शुगर यहाँ पर दूसरी वाटर गजलर क्रॉप है जिसके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, शुगर के भी एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं. तो इट वाज बैक्ड पार्टली बाय सब्सिडीज दैट क्रॉस द 10% लिमिट. तो यहाँ पर शुगर को इनडायरेक्टली सब्सिडीज दी जाती है शुगर मिल ओनर्स को, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने इंडिया को लेकर यहाँ पर केस भी किया था WTO में, जो कि हम केस यहाँ पर हार भी गए. तो ब्रिंगिंग इंडिया इनटू अ डिस्प्यूट विद अदर शुगर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एट द WTO. लेकिन अभी हमने अपील की है तो अभी हम डिसीजन को नहीं मान रहे क्योंकि अभी हमने अपील की है. तो हाउएवर फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम नोट करें तो अगर हम 1 kilogram ऑफ शुगर अमाउंट्स टू रफली एक्सपोर्टिंग 2,000 liters ऑफ वर्चुअल वाटर. तो अगर हम शुगर और राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वर्चुअली बहुत ज़्यादा वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. मच ऑफ दिस वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड वाटर, जैसे कि पंजाब और हरियाणा बेल्ट में यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है उसका जो टेबल है वो नीचे जाता जा रहा है. Also remember that rice production systems are among the most important sources of methane emissions. तो rice की वजह से यहाँ पर methane emission होता है, methane की emission की वजह से यहाँ पर greenhouse gas emissions जो है यहाँ पर बढ़ रहा है. This is all because अब यहाँ पर farmers क्यों rice लगाते हैं, क्यों sugar लगाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर उनको highly subsidized fertilizer provide किया जाता है, free power provide की जाती है, specially urea यहाँ पर provide किया जाता है. तो in the case of common rice, our earlier research shows that power and fertilizer subsidies account for roughly 12-15% of the value of rice in states like Punjab and Haryana. तो किया क्या जा सकता है, सबसे पहले हमें innovative farming practices करने की ज़रूरत है. For example, माइक्रो इरीगेशन, डायरेक्ट सीडेड राइस का यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर जो राइस का यूज़ है वो यहाँ पर कम हो सके. However, the real solution lies in incentivizing the farmers to switch some of the area under rice and sugar cultivation to others. तो यहाँ पर crop diversification करने की ज़रूरत है. अब हरियाणा में कुछ schemes है, for example, मेरा पानी मेरी विरासत, खेती खाली फिर भी खुशहाली, जिसमें यहाँ पर first scheme में 7,000 rupees per acre farmers को incentive दिया जाता है कि आप switch करो from paddy to alternate crops. और second में यहाँ पर scheme में ये बताया गया है कि खारिफ season में अगर आप कोई भी crop नहीं भी grow करोगे तब भी आपको सरकार 7,000 rupees per acre देगी. तो क्लोज़र इवेल्यूशन हम देखें तो नॉन बासमती राइस में एक और फैक्ट ये है कि नॉन बासमती राइस जो एक्सपोर्ट की यूनिट वैल्यू थी वो $354 पर टन थी, लेकिन MSP $390 पर टन था. तो ऐसा क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर कम दामों में हो रहे हैं? तो बेसिकली वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो PDS के लिए यहाँ पर चावल आया या PM गरीब कल्याण योजना के लिए चावल आया तो उस चावल का लीकेज हो गया जिसकी वजह से उसको एक्सपोर्ट किया गया है. तो वन पॉसिबिलिटी इज दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द सप्लाईज थ्रू द PDS एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आर लीकिंग आउट एंड स्वेलिंग राइस एक्सपोर्ट्स. क्योंकि राइस एक्सपोर्ट्स जो है उसका प्राइस कम कैसे हो सकता है अगर हम MSP से कंपेयर करें? तो बेसिकली यहाँ पर करप्शन हुआ है, लीकेज हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट किया गया है उस राइस को. अब किया क्या जा सकता है, जैसे कि PDS में यहाँ पर हम देख रहे हैं करप्शन हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो ऑथर ने ये सलूशन दिया है कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर सकती है इन लियू ऑफ ऑलमोस्ट फ्री ग्रेन्स. तो फ्रॉम अ पॉलिसी एंगल इट मे बी हाई टाइम टू इंट्रोड्यूस द ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स इन लियू ऑफ ऑलमोस्ट फ्री ग्रेन्स अंडर द PDS एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. तो जिसकी वजह से लीकेजेस भी प्लग होंगे और ये जो कॉस्ट है ये भी यहाँ पर सेव होगी. और दूसरी बात ये है कि फार्मर्स को यहाँ पर इंसेंटिव देने की जरूरत है फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन.
इट्स अबाउट क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट। तो यहाँ पर यह बताया गया कि अगर सेडिशन को हटा भी दिया जाए लेकिन UAPA है जिसकी वजह से डिसेंट को यहाँ पर क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो एज लॉन्ग एज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इज अनटच्ड, डिसेंट विल कंटिन्यू टू बी क्रिमिनलाइज। तो सेडिशन लॉ सेक्शन 124A ऑफ द IPC में है जिसमें पीनल प्रोविजंस है, लेकिन पीनल प्रोविजंस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी हैं सेडिशन में कि आप यहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो, चार्जशीट 90 दिनों के अंदर फाइल करनी होती है, लेकिन ये सेफगार्ड्स UAPA के अंडर नहीं है क्योंकि UAPA एक एंटी टेरर लॉ है। तो एज एन एंटी टेरर लॉ इट हैज़ मोर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस एंड फार फ्यूअर सेफगार्ड्स। जैसे कि UAPA में डिटेंशन विदाउट अ चार्ज किया जा सकता है और यहाँ पर चार्जशीट फाइल करने के लिए 180 दिनों का समय दिया जाता है, और यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो अक्यूज्ड के ऊपर होता है कि आपको प्रूफ करना है कि आप यहाँ पर गलत नहीं हो। तो प्लेसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज्ड। सेकेंड, लेट्स जस्ट लुक एट द कन्विक्शन रेट। तो अगर हम सेडिशन लॉ का कन्विक्शन रेट देखें तो 2.25% है, लेकिन UAPA का यहाँ पर कन्विक्शन रेट ज़्यादा है। तो NCRB के डेटा से ये पता चला है कि UAPA का जो कन्विक्शन रेट है वो 27.5% है, लेकिन जो केसेस जाते हैं UAPA के वो बहुत कम है। बट वॉट इज मोर डैमनिंग इज दैट वेरी फ्यू केसेज इवन रीच द स्टेट वेयर इनोसेंस और गिल्ट इज प्रूवन। और हमें यहाँ पर UAPA में जो कन्विक्शन रेट है वो 27% देखने को मिल रहा है। पोलैंड प्राइम मिनिस्टर इन कीव एड्रेसेस पार्लियामेंट, यूक्रेन रूल्ड आउट अ सीज फायर और एनी टेरिटोरियल कंसेशंस टू मॉस्को। तो यूक्रेन का ये कहना है कि कोई भी टेरिटोरियल कंसेशन नहीं हुए, ना ही कोई सीज फायर हुआ है रशिया के साथ। फेट ऑफ 2,500 प्रिजनर्स ऑफ वॉर फ्रॉम मेरियोपोल प्लांट स्टेट्स कंसर्न। अब मेरियोपोल यूक्रेन की जगह है जो कि यहाँ पर रशिया ने कैप्चर कर ली है। आगे हम चलते हैं, एक्सप्लेन सेक्शन हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज गेन इन वीट। अब वीट जो है वो मॉइस्चर को गेन कर लेता है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टोरेज गेन एंड इट मोस्टली हैपन्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर विद द एंडोस्पर्म ऑफ द वीट। तो एंडोस्पर्म जो वीट का है वो यहाँ पर मॉइस्चर गेन कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वीट है, वीट का वेट इंक्रीज हो जाता है। तो वीट का वेट इंक्रीज हो जाता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं वो 1 किलोग्राम वीट एक्स्ट्रा देते हैं पर क्विंटल टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू कॉम्पनसेट फॉर स्टोरेज गेन। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है वो 1 किलोग्राम वीट एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर वीट दिया जाता है उसका वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज गेन हो जाता है, जो एंडोस्पर्म है वो यहाँ पर मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। अब जो पंजाब के फार्मर्स हैं उनका ये कहना है कि स्टोरेज गेन से वेवर दिया जाए। अब स्टोरेज गेन से वेवर इसलिए दिया जाए क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर फेयर और एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स को रिलैक्स किया है। फेयर और एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स को रिलैक्स करने के बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ब्रोकन ग्रेन्स भी ले रही है। तो ब्रोकन ग्रेन्स लेने का मतलब ये है कि ब्रोकन ग्रेन्स यहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं लेंगे, इसीलिए यहाँ पर फार्मर्स का ये कहना है कि स्टोरेज गेन का वेवर मिलना चाहिए। बैचू लाइक डिवाइस दैट कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड वाइल चार्जिंग। तो ये जो है ये एक ब्रेक थ्रू रिसर्च है, क्योंकि इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ लो कॉस्ट डिवाइस दैट कैन सिलेक्टिवली कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड वायलेट चार्जेस। तो ये जो सुपर कैपेसिटर डिवाइस है ये सिर्फ एक कॉइन की साइज़ की है और ये सस्टेनेबल मटेरियल से बनी है, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट शेल्स एंड सी वाटर। तो इसका यूज़ किया जा सकता है कार्बन को कैप्चर करने के लिए। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिहाइंड करंट फूड इन्फ्लेशन। अब जैसे कि हमें इन्फ्लेशन अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा ही इन्फ्लेशन हमें 2000s के दौरान देखने को मिला था, लेकिन उस इन्फ्लेशन और आज के इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया गया है। तो वर्ल्ड एंड इंडिया आर विटनेसिंग अ रीसर्जेंस ऑफ फूड इन्फ्लेशन। इट हैज़ री इग्नाइटेड मेमोरीज ऑफ द लास्ट ग्रेट कमोडिटी इन्फ्लेशन, जो कि हमें यहाँ पर मिड 2000s टिल अराउंड 2012-13 तक देखने को मिला था। बट डिफरेंस क्या है उस समय के इन्फ्लेशन में और इस समय के इन्फ्लेशन में, स्पेशली इन इंडिया? तो फॉर्मर वॉज अ स्ट्रक्चरल डिमांड लेड इन्फ्लेशन ड्राइविंग बाई राइज इन इनकम्स। तो उस समय लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही थी और यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था। तो रियल इनकम यहाँ पर लोगों की इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सीरियल्स और शुगर को कम कंज्यूम कर रहे थे और यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि लोगों के यहाँ पर प्रोटीन रिच फूड चाहिए, वाइटामिन चाहिए, लोगों को मिनरल्स चाहिए, जिसकी वजह से हमें उस समय प्रोटीन में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर लोगों की जब इनकम इंक्रीज होती है तो लोगों की डाइटरी हैबिट्स भी चेंज होती हैं नाउ एंड देन। लेकिन अभी का जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर सप्लाई शॉक ड्रिवन है एंड इट इज़ मोर कैलोरी देन प्रोटीन प्राइस इन्फ्लेशन। तो उस समय जो इन्फ्लेशन था वो प्रोटीन के लिए था, क्योंकि लोगों की डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रही थी, लोगों की यहाँ पर इनकम बढ़ रही थी और यहाँ पर लोग प्रोटीन की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। अब यहाँ पर जो इन्फ्लेशन हुआ है हम पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते कि रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है। तो वाइल रशिया इन दिसंबर 2020 अनाउंस्ड एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन वीट, कॉर्न, बार्ले, राई, फिर यहाँ पर इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर
बैन लगा दिया कि पाम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा. तो द वॉर ओनली वर्सन थिंग्स बाई स्क्वीजिंग सप्लाईज फ्रॉम द टू कंट्रीज, जहाँ से सब्सटेंशियल शेयर आता है वर्ल्ड के वीट का, कॉर्न का, बार्ले का. फिर यहाँ पर इंडोनेशिया ने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया ऑन पाम ऑयल, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है. तो मेन रीज़न फॉर नो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, पर इंडिया में अभी भी हमें सीरियल्स में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इसीलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि सीरियल और शुगर के हम यहाँ पर सरप्लस प्रोड्यूसर हैं. तो जिसकी वजह से अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो इंडिया में हमें देखने को नहीं मिल रहा है. तो समिंग अगर हम सम करें कि लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन था और इस टाइम जो इन्फ्लेशन, उसमें क्या डिफरेंस है, तो फूड इन्फ्लेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉर, ड्रॉट, अनसीजनल रेन्स एंड हीट वेव्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चरल डिमांड पुल फैक्टर्स, जो कि हमें मिड 2000s पे देखने को मिला था. नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय लेगेसी एंड इट्स रिन्यूड रेलिवेंस 250 years ऑन. तो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज राजा राम मोहन रॉय. बॉर्न इंटू प्रॉस्परस ब्राह्मण फैमिली, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कास्ट प्रैक्टिसेस उनके टाइम में प्रेवलेंट थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, डाउरी, सती. अब इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, बंगाली, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, लेटर इंग्लिश. हिज एक्सपोजर टू द लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ दीज लैंग्वेजेस, फिर इनको पता चला कि जो रिलीजियस है उसमें कितना डॉगमा और सोशल स्ट्रक्चर है. फिर उसको रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने यहाँ पर बहुत कोशिशें की. दिस वॉज अ टाइम वेन द मुगल्स वर वेनिंग एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑन द एसेंडेंसी इन बंगाल. तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी बंगाल में. यहाँ पर इन्होंने वेदास पढ़े, उपनिषद्स पढ़े, रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इस्लाम पढ़े, क्रिश्चियनिटी के यहाँ पर टेक्स्ट को इन्होंने रीड किया. इन्होंने यहाँ पर मोनोथिज्म को प्रोपेगेट किया. तो राम मोहन डिड नॉट क्वाइट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिलीजियस एंड द सेकुलर, और उनका ये कहना था, ही बिलीव रिलीजन टू बी द साइट ऑफ ऑल फंडामेंटल चेंजेस. जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको यहाँ पर कहा था भारत पथिक, बाई विच ही मेंट टू से राम मोहन कम्बाइंड इन हिज पर्सन द अंडरलाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिक सिविलाइजेशन. इंडिक सिविलाइजेशन किसको प्रमोट करती है? प्लुरलिज्म को, टॉलरेंस को, कॉस्मिक रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तो ही वॉज द फर्स्ट अमंग लिबरल्स. और उस समय इन्होंने चेंज की बात की थी कि यहाँ पर जो डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस उनको चेंज करने की ज़रूरत है. अब यहाँ पर फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 1814 में इन्होंने स्टार्ट की थी आत्मीय सभा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर नर्चर करती थी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस ऑन द आइडिया ऑफ मोनोथिज्म, वेदांता एंड टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री. कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री, तो आइडोलेट्री के खिलाफ थे. मोनोथिज्म को इन्होंने प्रीच किया था और इन्होंने आत्मीय सभा शुरू की थी. आत्मीय सभा, फिर यहाँ पर बात करती है ब्रह्मो सभा की. फिर ब्रह्मो सभा 1828 में यहाँ पर सेटअप की गई थी विद देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे. सती एबॉलिशन अदर रिफॉर्म्स, तो इनके टाइम में यहाँ पर सती एबॉलिश की गई थी, इनके ही वजह से यहाँ पर सती एबॉलिश हुई थी. तो ड्यूरिंग हिज 15 years इन कलकत्ता, रॉय बिकेम अ प्रोमिनेंट पब्लिक इंटेलेक्चुअल. ही कैंपेन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इन पर्टिकुलर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न करिकुलम. तो ये चाहते थे कि वेस्टर्न करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में. 1817 में इन्होंने कोलैबोरेट किया विद डेविड हरे और सेटअप किया गया हिंदू कॉलेज. तो 1817 में डेविड हरे के साथ यहाँ पर हिंदू कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया. हिज रेलेंटलेस एडवोकेसी अलॉन्ग साइड कंटेम्परेरीज जैसे कि ईश्वर चंद विद्रा सागर, और जिसकी वजह से सती को एबॉलिश किया गया अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ विलियम बेंटिक. तो 1829 में विलियम बेंटिक ने यहाँ पर सती को एबॉलिश किया. ब्रह्मो सभा, जो कि बाद में ब्रह्मो समाज बनी, ये एक तरीके का रिएक्शन देखने को मिला अगेंस्ट द अपर कास्ट स्ट्रांग होल्ड ऑन सोशल कस्टम्स. नॉन कन्फर्मिज्म ब्रॉट इट शेयर ऑफ इन्फेमी. अब जो रॉय था, राजा राम मोहन रॉय थे, उनको यहाँ पर जो राजा का टाइटल दिया वो यहाँ पर दिया था मुगल एम्परर अकबर टू ने. तो मुगल एम्परर अकबर टू ने राजा राम मोहन रॉय को यहाँ पर राजा का टाइटल दिया था. तो आई होप आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चल गए हों. तो आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. ब्रह्मनिकल मैगजीन भी इन्हीं की थी. आगे हम चलते हैं. यहाँ पर फ्रंट रनिंग की बात की गई. अब फ्रंट रनिंग क्या होता है? तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में देखें तो फ्रंट रनिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी ने ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहा है किसी बड़ी कंपनी ने कि आप इस कंपनी के फॉर एग्जाम्पल 100 shares खरीद दो. लेकिन आपको पता है कि अगर ये म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके प्राइस बढ़ेंगे. तो वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले यहाँ पर क्या किया जाता है कि खुद का ऑर्डर पहले प्लेस कर लिया जाता है, क्योंकि ये पता होता है कि यहाँ पर प्राइस बढ़ेंगे. तो बेसिकली एक तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग होती है. तो फ्रंट रनिंग इन्वॉल्व्स परचेजिंग अ स्टॉक बेस्ड ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन. तो ये इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक के पास नहीं थी, उस पर्सन के पास थी जिसने उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके खुद के लिए पर्सनल बेनिफिट करने की सोची. तो फ्रंट रनिंग इन्वॉल्व्स परचेजिंग अ स्टॉक बेस्ड ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एक्सपेक्टेड लार्ज ट्रांजेक्शन दैट विल अफेक्ट द शेयर प्राइस ऑफ ए कंपनी. जब म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर परचेज करते हैं ह्यूज क्वांटिटी में, जिसकी वजह से शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और जो फ्रंट रनर्स होते हैं उनको यहाँ पर इलेजिटिमेट गेन मिल जाता है. तो बेसिकली सेबी ने पिनलाइज करने की कोशिश की है सेवरल ब्रोकर्स को और फंड हाउसेस को, जो कि यहाँ पर फ्रंट रनिंग का काम करते हैं. आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.